और जब मैं सुल्तानपुर आया तो वो कलाकार भी हमें मिल गया। ये इतने बड़े कलाकार है उम्र से, लेकिन साइज से बहुत छोटे हैं। स्वागत है दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों अखिलेश यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर यहां पर प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं रामभुआल निषाद, जिनका यहां पर सपोर्ट करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और मंच पर मौजूद हैं। देखिए वहां पर लोग जो मौजूद हैं, अब एक एक करके उनको लोग जो हैं उपहार देंगे, जो तोहफे लेकर आए हैं वो देंगे। देखिए किस तरह से यहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उनको भेंट की जा रही है। तो इस पूरी तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं, और आखिर में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अखिलेश यादव ने मंच पर किसको यहां पर एक गाना चलाया और उससे नचाया भी है, डांस भी किया है वहां पर, और एक मैसेज देने की कोशिश इस छोटी सी प्रस्तुति के जरिए की है। फिलहाल यहां पर अभी जो शुरुआत हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक करके जो लोग हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए मुकुट पहनाया जा रहा है, गदा भेंट किया जा रहा है अखिलेश यादव को, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच पर क्या कुछ हुआ, इस रैली के रंग क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक और राधा कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पर भेंट की जा रही है, बहुत लंबी लाइन लगी रही, और देखिए एक एक करके यहाँ पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा दी जा रही है, पेंटिंग दी जा रही है, फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा भी मंच पर आपको दिखाई दे रहा है, जिससे अखिलेश यादव बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गदा एक और देखिए, एक और गदा आ गया है मंच पर, एक और गदा दिया गया है। मूर्तियाँ लगातार राधा कृष्ण की दी जा रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो यहाँ पर भेंट की जा रही है अखिलेश यादव को। मंच की तस्वीरें, मंच के रंग, इस चुनाव के रंग, 2024 के रंग हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तानपुर की ये तस्वीरें हैं, बड़ी जनसभा, बड़ी रैली करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर में, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक एक आदमी यहाँ पर, लंबी लाइन लगी हुई है अखिलेश यादव से मिलने के लिए, नेताओं की, जो जिला स्तर के नेता होंगे वो यहाँ पर मौजूद है, और वो लगातार देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए ये देखिए अखिलेश यादव की कितनी बड़ी फोटो यहाँ पर दी जा रही है, एक चेक का है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है, और अखिलेश यादव को लगातार ये देखिए फोटो गिफ्ट की जा रही है, जो कि जिसमें भगवान कृष्ण की फोटो बनी हुई है। एक और भारत का संविधान और उसमें अखिलेश यादव की फोटो भी देखिए देखने को मिल रही है। फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है अखिलेश यादव को, वो यहाँ पर भेंट स्वीकार करते हुए, लोगों के उपहार स्वीकार करते हुए और फोटो खिंचाते हुए, और देखिए शॉल पहनाया गया अखिलेश यादव को, शॉल ओढ़ाया गया है, और ये देखिए एक और गदा आ गया है अखिलेश यादव को मंच पर। तो ये तस्वीरें हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की, दोनों की साथ की फोटो यहाँ पर उनको भेंट दी जा रही है। देखिए हाथ मिलाते हुए लोग और हंस मुस्कुराते हुए और फोटो खिंचाते हुए जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने मंच से क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहा गया है, लेकिन उससे पहले मंच की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा जो मंच बनाया गया है सुल्तानपुर में अपने प्रत्याशी रामभुआल निषाद का यहाँ पर समर्थन करने के लिए आए हैं। मुकुट पहनाया जा रहा है अखिलेश यादव को, देखिए मुकुट पहनाया जा रहा है, और यहाँ पर मुकुट पहनने के बाद हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बड़ी रैली, बड़ी जनसभा की जा रही है, चार चरणों के मतदान हो चुके हैं, पांचवें चरण का मतदान होना है, और से ठीक पहले अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। हालांकि पांचवें चरण का मतदान जो चुनाव प्रचार है वो फिलहाल अभी रुक चुका है, भीड़ अच्छी खासी है। और ये एक बच्चा देखिए, बच्चा एक बार फिर से मंच पर आ गया है और अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने की बात कर रहा है, अखिलेश यादव खुद उसका हाथ पकड़कर फोटो खींचते दिखाई दे रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जब 2022 में इन्हें वोट चाहिए था तो राशन में ये लोग रिफाइंड तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, और आज बताओ राशन में गरीबों को क्या मिल रहा है, क्या दे रही है सरकार राशन में आजकल, राशन की मात्रा भी कम हो गई, सुना है कोई बहुत पौष्टिक चीज दे रही है, शायद इतना खराब राशन कभी किसी सरकार ने नहीं गरीबों को दिया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को राशन मिल रहा है। तो अखिलेश यादव ने राशन को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है और सरकार को लेकर हमला बोला है कि क्या राशन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। राशन को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर, और अगली बात क्या कहते हैं वो भी सुनिए कि अखिलेश यादव अगली बात क्या कहते हैं। हमारी माताओं बहनों को हम लोग समाजवादी पेंशन से थोड़ा बहुत सम्मान देते थे, सम्मान मिलने लगा था, लेकिन ये सरकार बदल गई, उन्होंने सम्मान छीन लिया,
अब उनको पेंशन नहीं मिल रही है, कोई योजना नहीं जो उनकी मदद करे। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब 4 जून के बाद सरकार बन जाएगी तो अपने गरीब परिवार की माताएं बहनों को भी लखपति बनाने का काम करेंगे, उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाया जाएगा। तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि माताओं बहनों को हम लोग पेंशन देते थे, जो कि सरकार बदली और सरकार ने वो पेंशन भी छीन लिया, सम्मान छीन लिया, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की तरफ से तय हुआ है कि उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो। और जब से अकाउंट में पैसा पहुंचाने के लिए खटाखट शुरू हुआ है, तब से हमारे दिल्ली वाले भी बोलने लगे हैं खटाखट। लेकिन हम दिल्ली वालों को बता दें, दिल्ली वालों को जो प्रधान सांसद हैं जो कह रहे हैं कि हम शहजादे लोग कुछ दिनों बाद विदेश चले जाएंगे खटाखट, लेकिन हमें याद दिला दें, उन्होंने तो हम लोगों से पहले तैयारी कर ली थी, याद है कि नहीं याद है? उन्होंने अपने मित्रों को एक एक कर करके विदेश भेज दिया खटाखट। बताओ, विदेश भेज दिया कि नहीं भेज दिया? न केवल अपने मित्रों को पहले ही भेज दिया विदेश खटाखट, और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड से और वैक्सीन से बताओ सब कुछ डकार लिया कि नहीं डकार लिया? और अब कह रहे हैं गटाखट। और जनता ने भी तय कर लिया है कि इस बार इन्हें एक भी वोट नहीं देंगे और हटाने का काम करेंगे फटाफट। तो अखिलेश यादव यहां पर खटाखट और फटाफट और डकाडक कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, जैसा कि उन्होंने रायबरेली और अमेठी में भी, रायबरेली में खासकर इस बात का जिक्र किया था खटाखट का। अब वक्त आ गया है दोस्तों आपको दिखाने का कि अखिलेश यादव ने बीच भाषण रोक कर किसे मंच पर बुलाया और उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला एक गाने पर, वो देखिए। एक दिल्ली से गाना मिला है हमें, और जब मैं सुल्तानपुर आया तो वो कलाकार भी हमें मिल गया। ये इतने बड़े कलाकार है उम्र से, लेकिन साइज से बहुत छोटे हैं। ये दिल्ली से लाए हैं गाना हम लोग बीजेपी के सांसदों के लिए। बताओ, बीजेपी के सांसदों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इन सांसदों को खारिज कर दोगे कि नहीं करोगे? अगर इन सांसदों को खारिज कर दोगे तो ये गाना भी सुनो आप, देखो सांसद लोगों के लिए है।